एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी एक्स, इसको हम लोग को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए और एक्स का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए इसका वैल्यू जो होगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ए बी सी या डी में आएगा या फिर सब कट जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करके पहले हम लोग को लाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा ए एक्स प्लस बी और सी प्लस डी एक्स, उसका इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस डी। ये होने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स को करेंगे सी से ए सी एक्स आएगा, एक्स को करेंगे डी एक्स ए प्लस ए डी एक्स आएगा, और बी को करेंगे सी से तो प्लस बी सी, अब बी को करेंगे डी एक्स से तो प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू ए को करेंगे सी एक्स से तो ए सी एक्स, और ए को करेंगे डी से तो प्लस ए डी, प्लस बी को बी एक्स को करेंगे सी एक्स से तो बी सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स 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 स्क्वायर हो जाता है, प्लस डी से करेंगे तो प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ए डी एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी गलती हो गया था। अब देखिए यहाँ पे सब मल्टीप्लाई कर लिए, अब इन दो राइट हैंड साइड में है, इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, और साथ साथ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है, एक्स को एक्स के साथ लिखना है, और जो बाकी नंबर है उसको एक साथ लिखना है। तो पहले चलिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिखते हैं, तो एक्स ए डी एक्स स्क्वायर इधर में एक और है माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड आते ही माइनस हो जाता है, तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद एक्स ढूंढना है तो प्लस ए सी एक्स कर देंगे, फिर ये वाला बी डी एक्स, फिर ए सी एक्स उधर में है ये इधर आ जाएगा तो माइनस ए सी एक्स, फिर बी डी एक्स उधर में इधर आ जाएगा तो माइनस बी डी एक्स, फिर ये वाला जो बचा प्लस बी सी ए डी उधर चला जाएगा तो माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो। ये होने के बाद अब देखिए यहाँ पे ए सी एक्स प्लस और माइनस ए सी एक्स कट जाएगा, अब बी डी एक्स और माइनस बी डी एक्स कट जाएगा। ये करने के बाद अब इसमें क्या है कि इन दोनों में कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, प्लस एक्स तो पूरा कट गया तो इसको हटा देना है, प्लस बी सी माइनस ए डी को ले लिए इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग को किस फॉर्म में लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म में लाना था, लेकिन आया क्या, ए एक्स स्क्वायर तो आ गया लेकिन यहाँ पे बी एक्स नहीं है, और सी तो है ही है लेकिन बी एक्स नहीं है, तो हम लोग बी एक्स कहाँ से लाएंगे। बी एक्स यानी कि एक्स के बगल में ऐसा कौन सा नंबर आ गया था जिसकी वजह से एक्स अब यहाँ पे नहीं है, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में इस फॉर्म में लाने के लिए लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे किया जाता है, पहले इधर का नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई बी सी माइनस ए डी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही दो ठो नंबर आएगा, इन दोनों को क्या करेंगे कि जीरो आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बताया, प्लस यहाँ पे भी प्लस है यानी कि प्लस प्लस प्लस, यानी कि इन दोनों को जोड़ कर जीरो लाना है। जाहिर सी बात है ए डी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए डी को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, जैसे बी सी बी सी के साथ कट जाएगा, ए डी के साथ कट जाएगा। तो चलिए करते हैं, ए डी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए डी ब्रैकेट एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद ब्रैकेट खोल देना है सेकेंड वाला, ये वाला ब्रैकेट, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी मतलब एक्स एक्स स्क्वायर ए डी माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो।
ये करने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सेम चीज़ कॉमन है, ए डी माइनस बी सी, और एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी कॉमन ले लिए। बचा क्या यहाँ पे, एक्स प्लस यहाँ पे वन बचा, प्लस इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी माइनस ए डी, कॉम यहाँ पे बचा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या है, इन पूरा में क्या कॉमन है, इन पूरा में कॉमन है एक्स प्लस वन, और दूसरी तरफ जो बचा वो बचा ए डी माइनस बी सी, एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है अंदर में, अंदर में अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यहीं पे क्वेश्चन आंसर रुक जाएंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, आइदर और करना है, आइदर और, देयर फोर आइदर में होगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, और में हो गया देयर फोर ए डी माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद यहाँ आता है ए डी माइनस बी सी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी सी माइनस ए डी। उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अब ए डी यहाँ पे जो है वह है प्लस में और यहाँ पे है माइनस में, तो हम लोग इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बी सी माइनस ए डी, ऊपर में भी बी सी माइनस ए डी, अब ये कट गया, ये प्लस वन बचा, तो अब क्या आया, एक्स इक्वल्स टू वन। तो एक्स का वैल्यू जो आया, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड वन आंसर। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।